केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने और शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में शामिल होने के आरोप में आतंकवादी समूह स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी पर 5 और साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सिमी पर 2001 से प्रतिबंध लगाया था और तब से बैन हर बार बढ़ाया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में नीतीश कुमार ने ही अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब वो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी एनडीए के साथ हो गए हैं। दूसरी ओर 3 बड़े विपक्षी नेता लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन और भूपेंद्र हुड्डा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निशाने पर है। फिलहाल विपक्ष के ये तीनों नेता ईडी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा भी विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल है। ईडी की टीम ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बीएमडब्ल्यू कार को जब्त कर दिया है। ईडी की टीम उसे अपने साथ ले गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने गलत किया, जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, इससे एनडीए को बिहार में नुकसान ही होगा और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। कल इंडिया गठबंधन की पहली जीत होगी। सलमान खान का सबसे मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 17 की ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी ने जीत ली है। उन्होंने अभिषेक कुमार को हराते हुए खिताब अपने नाम किया। बिग बॉस जीतने के बाद जब वो अपने इलाके डोंगरी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। हजारों लोग उनकी एक तस्वीर लेने के लिए वहां मौजूद नजर आए। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।